हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दत्ता स्कूटीनाटी विथ मी रिशिता। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बनाएंगे चिकन रेड थाई करी और ये एक बहुत फेमस थाई रेसिपी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चिकन थाई करी में आप वेजेस अवॉइड भी कर सकते हो, आप सिर्फ चिकन से भी ये बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वेजेस यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं वेजेस काट रही हूँ। मैं यहाँ पे येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, ब्रोकली एंड बेबी कॉर्न ले रही हूँ। आप चाहे तो जुकीनी, मशरूम ये सब भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे सम सैलोड्स ले रही हूँ एंड सम फाइनली चॉप गार्लिक। तो थाई करी का जो इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे अलग अलग से मार्केट में नहीं मिला, तो मैं इसके लिए जुगाड़ भी ढूंढ ली। तो मुझे एक जैकपॉट मिल गया है, लेकिन उसके साथ भी मुझे कुछ कुछ चीजें ऐड करनी थी जिसका मैं अलग से एक पेस्ट बना के उसके साथ ऐड कर लूंगी। तो अभी मैं ले रही हूँ लेमन ग्रास, जिसको मैं कुछ रफली चॉप करूंगी और कुछ फाइनली चॉप करूंगी। और ये दो टाइप की चॉपिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो रफली चॉप्ड है वो जाएगा चिकन में और जो फाइनली चॉप्ड है उसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो करी में जो पेस्ट मैं यूज़ करूंगी उसमें थाई चिली है, जो कलर अच्छा होगा लेकिन इससे स्पाइसी नहीं होगा। तो स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली ड्राइड बर्ड आई चिलीज यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं एक ग्राइंडिंग जार में बर्ड आई चिलीज, चॉप्ड लेमन ग्रास, चॉप्ड बेजिल लीव्स एंड सम चॉप्ड कोरिएंडर स्टेम्स ले लूँगी और उसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो मैं पहले जो जैकपॉट के बारे में बोल रही थी वो एक्चुअली है वो रेड थाई का रेड करी पेस्ट, और इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में मुझे वो सब मिल गया जो मुझे थाई करी के लिए चाहिए था। तो मैं जो अलग से पेस्ट बनाई थी उसके साथ ये रेड करी पेस्ट मिला के एक बार ग्राइंड कर लूंगी टू मेक अ फाइन पेस्ट। एंड नाउ फाइनली हम चिकन को सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर से अच्छे से मैरिनेट करेंगे और चिकन को ऐसे स्ट्रिप्स में काट कर लेना है और उसके साथ जाएगा वो रफली चॉप लेमन ग्रास एंड बेजिल लीव्स। अब हम गैस में चढ़ाएंगे एक पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, फिर उसमें दे देंगे वो मैरिनेटेड चिकन और उसको अच्छे से स्टार करना है। अच्छे से इसको स्टार करके कुछ टाइम के लिए हम ढक कर इसको रख देंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। हमें ऑलमोस्ट अभी 70% कुक चिकन चाहिए और हमारा चिकन अभी रेडी है। अब हम एक अलग पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड सैलोट्स, फिर उसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। सैलोट अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद उसमें हम एक एक करके सब वेजेस डाल देंगे, लाइक येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, उसको हम अच्छे से फिर से सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें सीजनिंग डालेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर और उसको अच्छे से वेजेस के साथ मिक्स कर लेंगे। अब वेजीज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अब हम वो पेस्ट इसमें डालेंगे जो हम पहले ही बना के रखे थे और फिर वेजीज को इसके साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब उसमें हम डालेंगे वो प्री कुक्ड चिकन। अब अच्छे से चिकन और वेजीज को मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो वेजीज और चिकन के अंदर अच्छे से चले जाए और बीच बीच में इसे स्टार करते रहेंगे। एंड नाउ फाइनली इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क और फिर सबको अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम डालेंगे डार्क सोया सॉस। तो यहाँ पे फिश सॉस यूज होता है ऑथेंटिक रेड थाई करी में, लेकिन मेरे पास फिश सॉस नहीं है, सो आई एम यूजिंग द डार्क सोया सॉस। नेक्स्ट हम डालेंगे वाटर। हमें जितना कंसिस्टेंसी ग्रेवी का पसंद है उस हिसाब से वाटर डालनी है। हमें सूपी टेक्सचर पसंद है इसलिए हम वाटर थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 8-10 मिनट्स के लिए इसे कवर करके हमें बॉयल करना है एंड फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स इसके ऊपर चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स स्प्रेड करके फ्लेम को कर देना है ऑफ। तो नाउ हमारा चिकन रेड थाई करी एकदम रेडी है। सो सर्व दिस हॉट करी विद हॉट स्टीम राइस एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत टेस्टी बनता है। सो आप भी इसे घर में बनाइए, खाइए एंड देन लेट मी नो हाउ वाज इट। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड प्लीज कम सब्सक्राइब आवर चैनल दैट्स स्कूटी नाटी। आई लव यू ऑल, बाय बाय।